लंबे समय के बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनकें लौट आई हैं। 10वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं पहले चरण में शुरू की गई हैं। स्कूल शुरू होने के पहले दिन छात्रों में काफी उत्साह देखा गया और छात्र स्कूल पहुंचकर काफी खुश भी नजर आए। हमीरपुर मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय में छात्रों के स्कूल पहुँचने पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई तो कक्षाओं में भी छात्रों को सामाजिक दूरी के अनुसार बिठाया गया और कोविड प्रोटोकॉलों के तहत कक्षाएं लगाई गईं। छात्र महक ने बताया कि अध्यापकों ने ऑनलाइन भी कक्षाएं ले रहे थे लेकिन स्कूल आकर बढ़िया पढ़ाई होती है। उन्होंने कहा कि अब स्कूल खुलने से पढ़ाई करने में और आसानी होगी। उन्होंने बताया कि घर पर पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही थी और आजकल स्कूल आकर वे काफी खुश हैं। जैसे स्कूल में क्लासेस होते तो अलग एक्सपीरियंस और अच्छे से समझ भी आता सब कुछ और लाइफ फेस टू फेस हो जाता है तो अच्छे से होता सब कुछ। स्पेशली साइंस स्टूडेंट है तो साइंस का सब कुछ ऐसे मतलब फेस टू फेस समझ के अच्छे से पढ़ाई होती है। मतलब घर पे जैसे घर पे होता ना रेगुलर शेड्यूल नहीं बन पाता जैसे कि हाँ अभी हमने पढ़ाई की तो साथ साथ में ऐसे स्कूल है ना तो पता है कि 6 घंटे पढ़ाई करनी है तो मतलब करनी ही करनी है। घर पे कभी उधर कभी इधर मतलब कुछ भी होता है और एक क्लास के बाद नेक्स्ट नहीं होती है मतलब सिर्फ ब्रेक होता है ब्रेक में होता है। छात्र तन्वी का कहना है कि स्कूल आने के लिए वे काफी उत्सुक थी। आज स्कूल खुले हैं तो स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कक्षाएं लगाई जा रही हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने में ध्यान पूरी तरह नहीं लग पाता था लेकिन अब बढ़िया पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि पहले कोविड में स्कूल आने से डर लगता था लेकिन स्कूल में पूरे प्रबंध देखकर डर निकल गया है। मतलब अजीब सा लग रहा था इतने दिनों बाद घर से निकले मगर स्कूल आके अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी पहले, अब आज फेस टू फेस आपने फेस किया हुआ टीचर्स को क्या फील कर रहे हैं? ऑनलाइन में लेजीनेस होती थी, कभी कंसंट्रेशन लग रहा है बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं, टीचर्स तो देखते नहीं थे लेकिन अभी जब स्कूल में आए तो एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई हो रही है और अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। मन में कोविड का डर तो नहीं लग रहा है? पहले था कि स्कूल में कैसे होगा कोविड के लेकर लेकिन अब नहीं है, अब ठीक है। अभी जैसे हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करी तो इतना डर नहीं है। थैंक यू। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या हमीरपुर के प्रिंसिपल विजय गौतम का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल में कक्षाएं शुरू की गई हैं और बच्चों का रिस्पांस अच्छा है, साथ ही अभिभावकों के काफी फोन आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में स्कूल में 100% छात्रों की उपस्थिति दर्ज होगी। उन्होंने बताया कि बच्चों में भी स्कूल आने का काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार का स्कूल खोलने का निर्णय बेहद सराहनीय है। आज सुबह से ही सभी अध्यापक इस इंतजार में थे कि बच्चे स्कूल आएं। एक बड़ा उत्साहित माहौल हमारे स्कूल में चल रहा था। बच्चे 8:30 के बाद आना शुरू हो गए। गेट पे हमने उनकी थर्मल स्कैनिंग की, उसके बाद गाइडेंस के लिए हमें उन्होंने ग्राउंड में जो हमारे डीपी साहब थे और डॉक्टर जेपी शर्मा जी, उन्होंने ब्रीफ किया कि क्या क्या प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो करना है। सिटिंग प्लान के बारे में उनको बताया गया और उसके बाद बच्चे क्लासेस में गए, रेगुलर पढ़ाई शुरू हो गई है। बच्चों में आज खासा उत्साह था और अभिभावक भी कुछ उनको छोड़ने आए थे, वो प्रसन्न थे कि आज स्कूल लग गए हैं। तो ये एक अच्छा संदेश अभिभावकों की ओर से सरकार को जा रहा है कि सरकार का निर्णय बड़ा सही है। जहाँ तक इस पाठशाला की बात है गर्ल्स स्कूल हमीरपुर की, हमारे 10th में 48 में से 23 बच्चे आए हैं और प्लस वन में 124 में से 42 बच्चे सुबह पहुंच चुके थे और 49 बच्चे प्लस टू में 113 में से हमारे आज उपस्थित हुए हैं। ये आज की उपस्थिति है हमारी। स्कूल में कई छात्रों के अनुपस्थिति के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि कई छात्राओं ने निजी स्कूल से इसी साल प्रवेश लिया है, इसलिए बच्चों के पास वर्दी नहीं होने के कारण वे आज उपस्थित नहीं हो सकीं। उन्होंने बताया कि कई अभिभावकों ने वर्दी नहीं होने पर बिना वर्दी के ही स्कूल भेजने की आज्ञा भी मांगी है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के बाद 10वीं प्लस वन और प्लस टू की ऑनलाइन कक्षाओं को बंद करने के सिलसिले में भी बैठक कर निर्णय लिया जाएगा ताकि सभी छात्र स्कूल में आकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकें। थोड़ा मौसम का रहता है, दूसरा अभिभावक जो हैं वो अभी आज का जो ब्रीफिंग है वो देखना चाह रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। तीसरा कारण ये, इस बार कुछ बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों के ज़्यादा आए हैं
तो उनके पास ड्रेस नहीं है, जो फ़ोन ग्राहकों के आ रहे हैं वो ड्रेस के लिए आ रहे हैं कि जी क्या बिना ड्रेस के हम भेज दें, तो ये भी एक कारण रहा, ड्रेस का भी कारण रहा, और दूर के बच्चों को थोड़ा भी ट्रांसपोर्ट का वो पूछ रहे हैं, ये एक कारण कुछ कारण है। जिस हिसाब से पेरेंट्स के कुछ फ़ोन आए हमें कि जी हम भी बच्चों को भेजना चाहते हैं, कैसा रिस्पॉन्स है, तो अगर बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, कल का हम देखेंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे ताकि पूरे बच्चे स्कूल में फेस टू फेस पढ़ें।